आखिर क्यों? श्री कृष्ण ने कहा देवी रुक्मणी से कि उनको और एक विवाह कर लेना चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवतम के 10वें खंड के अनुसार एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी से कहा, हे रुक्मणी, तुमने मुझसे क्यों विवाह किया? मेरे जैसे झूठे से विवाह कर तुम्हें क्या आनंद प्राप्त हुआ? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी सुख भी नहीं दिया। मैंने आज तक कई विवाह किए और तुमको मुझसे क्या सुख मिला जो तुमने मुझसे विवाह किया? आर्यव्रत में और भी कई राजकुमार हैं, जैसे कि शिशुपाल, जरासंध, दंडवक्र, ये सभी मेरे दुश्मन हैं, लेकिन बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। आखिर तुमने इनको छोड़ मुझसे ही क्यों विवाह किया? ये कहते ही जब श्री कृष्ण पीछे मुड़कर देखते हैं तो माता रुक्मणी बेहोश पड़ी रहती है, और ये देख श्री कृष्ण जल्दी से माता रुक्मणी को मूर्छा से उठाते हैं तो माता रुक्मणी रोने लगती है। ये देख श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो बस ठिठोली कर रहा था, मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हो और तुम्हारी प्रेम की कोई तुलना नहीं हो सकती। और देखा जाए तो ये सच भी है, माता रुक्मणी ने कभी भी श्री कृष्ण को किसी भी काम पर रोका नहीं, ना ही कुछ के लिए सवाल उठाया। माता रुक्मणी तो श्री कृष्ण को खुद को सौंप चुकी थी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये छोटा सा कथा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।